बाद में आए हैं, सब चीज़ें बाद में आई हैं, सबसे पहले तो इंसानियत है। तो बस अल्लाह करे ये लोग ये समझ जाएँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के नतीजे में या इस दुश्मनी के नतीजे में जो फ़ायदा उठा रही है वो वाली क़ुव्वतें, वो वाले फोर्सेस हैं जो जो दूर बैठ के हमें सिर्फ अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रहे हैं, और ये बहुत अफसोस की बात है। मेरी दुआ है कि कश्मीर का ये मसला हल हो और कश्मीर में जो सब कुछ हो रहा है ये ख़त्म हो जाए, इसलिए कि वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है और दिल रोता है वहाँ की हालत देख के, वहाँ के लोगों की हालत देख के। वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड दिव्या, आई होप यू फॉर व्हाट आई सेड जस्ट रिगार्डिंग इंडिया। सो इट्स नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट हार्ट टू हार्ट कनेक्शन विद पीपल वी you know, people in our lives who live across the border, उनके भी बहुत सारे दोस्त हमारी तरफ हैं, इसलिए हम बस यही चाहते हैं कि जो geographical boundaries हैं वो तो एक अटल हकीकत हैं और उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन दिलों के रिश्ते ना, क्योंकि अब जंग अगर हुई तो वो फाइनल, फुल एंड फाइनल होगी, मतलब वो उसके बाद फिर आप ये ना सोचिएगा कि अगली जंग के लिए आप तैयार हैं, दैट वुड बी द एंड ऑफ एवरीथिंग। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो कौन जीत मनाने के लिए होगा।